केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब है कि पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र व्यवस्था को खत्म किया जा सके। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों से जुड़े होटलों को डीलिंक करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, जून की शुरुआत में कोरोना मामलों में वृद्धि के बाद कई होटलों के बेड्स को रोगियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि मौजूदा दिशा निर्देश कहते हैं, यदि किसी भी मरीज का एंटीजन टेस्ट नकारात्मक है लेकिन उसमें कोरोना के लक्षण है तो उसका अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट किया जाना चाहिए। मैंने इस दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्ट RT-PCR की तुलना में अधिक क्यों हो रहे हैं, जबकि ये सर्वविदित है कि एंटीजन टेस्ट के परिणाम अधिक भरोसेमंद नहीं होते हैं। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस वर्ष 2020 की बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों का लंबे इंतजार के बाद आज जारी कर दिया है। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2020 की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और बोर्ड के अध्यक्ष आर.के. कुंवर की उपस्थिति में हुई। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया। इस वर्ष कक्षा 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में कुल 80.26% और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुल 76.91% परीक्षार्थियों पास हुए हैं। मशहूर सेलिब्रिटीज की सोशल मीडिया पर फर्जी फैन फॉलोइंग को लेकर मुंबई पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस मामले में अब जाने माने क्रिकेटर कमेंटेटर विजय गौरव कपूर और आरजे रोशन अब्बास से पूछताछ की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस केस को लेकर मुंबई पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन दोनों ही लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा किए गए ट्वीट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गौरव कपूर और रोशन अब्बास को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस की SIT टीम के सामने हाजिर होना होगा।